ਮ ਗਿਆਨ ਤਿਮਰਾੰਦਸ਼ਾ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸ਼ਲਾਕਯਾ ਚਕਸ਼ੋ ਨ ਮਿਲਿਤਾ ਮੇਨ ਤਸਮੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਵੇ ਨਮਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੈਤਨਿ ਮਨੋ ਵਿਸਤੰ ਇਸਥਾਪਿਤਮੇਨ ਭੂਤਲੇ ਸਵਮ ਰੂਪਾ ਕਦਾਮਯੰ ਦਦਾਤੀ ਸਵਧਾਂ ਤਿਕਮ वंदे अहम श्री गुरो श्रीयुतपकमल श्री गुरोन वैष्णवास् श्रीरूप सागर जात सह गण रगुनाथ सजीव सावेद सवधुत परिजन सहित श्रीकृष्ण देवं श्री राधा कृष्ण पादान ललिता श्री विशाखान्वित हे कृष्णकुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी देवी प्रणमामि हरि प्रिये हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय गोपाल आइए मेरे बहन भाइयों सत्संग प्रेमीजनों श्रीमद भागवत गीता के नवे अध्याय से हम प्रारंभ कर रहे हैं पहला श्लोक पिछली कड़ी को इस कड़ी से जोड़ते हुए कह रहे हैं कि ये श्लोक पहले पढ़ा जा चुका है लेकिन व्याख्या नहीं कर पाए तो आइए इसको पुनः दोहरा रहे हैं श्री भगवान चो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं इदम तू ते गुए तमम प्रवक्षाम्यनुसूयवे अनसूये ज्ञानम विज्ञान सहिता मोक्ष से ऐश्वर्त हे अर्जुन अब मैं तुझे ऐसा ज्ञान उपदेश करूंगा जो रहश्य में है इदम तू गुहतम प्रवक्षा्य अनसूय वे ज्ञानम विज्ञान सहित यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात भगवान ने अब तक जो गीता में ज्ञान दिया है उपदेश किए हैं ध्यान मार्ग कर्म योग इत्यादि आत्मज्ञान नैनम आत्मा का नाश नहीं इत्यादि लेकिन भगवान इस नवे अध्याय में आकर के बड़ी गंभीरता से अर्जुन को बोल रहे हैं कि हे अर्जुन मैं अब तुझे उस ज्ञान को विज्ञान के सहित कहूंगा जो बड़ा रहस्य में है तो जैसे मैंने कहा था कि ज्ञान एक बात है और विज्ञान एक बात है ज्ञान है सुनना आपने सुन लिया पढ़ लिया आध्यात्मिक पुस्तकों से या गुरुजी के मुखारबिंद से सुन लिया और समझ गए गुरुजी ने कहा कि बेटा जल में अगर जल गहरा हो और आदमी से तैरना नहीं आता हो और वो उसमें कुद्दी मारे तो जरूर डूबने का खतरा है डूब जाएगा मर जाएगा शिष्य ने कहा गुरुजी मैं समझ गया अब मैं गहरे जल से दूर रहूंगा ये तो ज्ञान है विज्ञान है इसका अनुभव कि जिसने गहरे जल में भी मारी है और डूबते ही और डूबी डुबकी मारते ही वो डूब गया है यदि तैरना नहीं जाने तो वो मर चुका होता तो ऐसे सतगुरु जी कहते हैं कि मैंने इसका अनुभव भी किया है और ये रहस्यमय ज्ञान अब मैं तुम्हें कहूंगा जिस ज्ञान को सुनने से जिस ज्ञान को जानने से जिस ज्ञान का अनुभव करने से अशुभों का नाश हो जाता है अशुभों से मुक्ति मिल जाती है अशुभ क्या है यह भी जानना जरूरी है पहली बात श्रवण क्रिया का यहां पर वर्णन हो रहा है क्योंकि भगवान ने तो पहले ही कहा है कि किसी भगवान के भक्त के द्वारा ज्ञान हासिल करना चाहिए तो कुछ सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है तो उसको प्रैक्टिकल करने लगता है भगवान का भजन करता है जप करता है भगवान की सेवा करता है सत पथ पर चलता है इत्यादि अनुभव करता है प्रैक्टिस करता है तद्विद्धि विधि इन परिप्रश्न सेवया उपदेक्ष ज्ञानम ज्ञान तत्वदर्शिना हे अर्जुन मेरे ऐसे किसी शुद्ध भक्त के चरणों में जाके प्रणाम कर जो मुझे तत्व से जानता हो कि वास्तव में मैं कौन हूं अभी विशेष संप्रदाय चल रही हैं जो उनके गुरु अपने आप को ही भगवान कहते हैं या फिर जो वास्तव भगवान है उनको नकारते हैं भगवान की वाणी को भी काटने काटते हैं काटने का प्रयास करते हैं भगवान की वाणी को तो भला कौन काट सकता है ये प्रयास तो करते ही हैं और अपनी वाणी को प्रमुखता देते हैं चाहे उस वाणी से सामने वाले को कोई फायदा हो या न हो ऐसे पाखंडी गुरुओं के जाल में बहुत फंसे हुए हैं हजारों लाखों करोड़ों फंसे हुए हैं सत्य ज्ञान पाने के लिए सच्चे भक्त के पास जाना पड़ता है भगवान का जो सच्चा भक्त है तद्विधि विधि इन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षित ज्ञानम ज्ञानीना तत्व जो ज्ञानी लोग तत्व से मुझे जान गए हैं तत्व क्या है ज्ञान तो है प्रकांड विद्वान है वेदों के शास्त्रों के गीता भागवत के लेकिन भगवान को विज्ञान के साथ नहीं समझ पाए तत्व से नहीं समझ पाए ये तत्व ही प्रैक्टिकल अभ्यास है भगवान की सेवा है भगवान की सेवा प्रैक्टिकल है और तत्क्षण फलदायनी है इससे अनुभव होता है भगवान का लेकिन भगवान यहां इस ज्ञान और विज्ञान को जो रहस्य में है अति रहस्य में है ये अर्जुन को कहने जा रहे हैं इस ज्ञा, इसको जान लेने से अशुभ अशुभों से मुक्ति हो जाती है गुरु महाराज कहते हैं कि ये संसार ही अशुभ है ये संसार में भगवान की सृष्टि नहीं भगवान की सृष्टि तो शुभ है सतस्वरूपा है लेकिन जहां जिस परिस्थितियों में हमने ये शरीर प्राप्त किया है दस इंद्रिया मन बुद्धि भौतिक वासनाएं काम क्रोध मध मोह ये जो सारे लिपटे हुए हैं सारे समाज में ये अशुभ है समाज में अगर सर्वत्र पवित्रता हो तो कोई अशुभ नहीं है यहां तो ऊपर के लोग भी नीचे आने लगेंगे लेकिन संसार भौतिक संसार में भोगों के चक्कर में लोग उतरते हैं नीचे क्यों यहां भोग है भगवान ने यहाँ ये ये सुविधाएं उपलब्ध की है विलासों की और मिनट फ्रीडम भी दी है स्वतंत्रता भी तो ये अशुभ है ये शरीर तमोगुण से बना है क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व ये अधम शरीरा इस शरीर को ये अधम कहा है तुलसीदास जी महाराज ने ये तमोगुण से बना हुआ शरीर है इसलिए इसमें तमोगुणी वासनाएं ज्यादा शीघ्रता से आती है रजोगुण से हमारी इंद्रियां बनी हुई हैं जो जो इंद्रियां रजोगुण से बनी है उनको तो भोग चाहिए तो यही अशुभ है ये शरीर ही अशुभ है यदि इससे भगवान का भजन नहीं किया जाए तो यदि शरीर से भगवान की सेवा नहीं की जाए तो तो अशुभों से मुक्ति प्राप्त कराने के लिए भगवान अर्जुन को रहश्य में ज्ञान जो विज्ञान के सहित है अनुभव के सहित है उसे कहने जा रहे हैं हम बहुत सी चीजों को समझ नहीं पाते और उनको शुभ मानने लगते हैं वो रिजल्ट जब उनका आता है अंतिम परिणाम वो अशुभ होता है जैसे ग्रीड है काम है या क्रोध है या लोभ है या मोह है इसका परिणाम अशुभ है तो इन अशुभों से मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवान ये रहस्य में ज्ञान अर्जुन को उपदेश करने जा रहे हैं इदम तू ते गुहेतम प्रवक्षा ज्ञानम विज्ञान सहित यज्ञा मोक्ष से तो इस गीता को भी समझने के लिए या भागवतम को समझने के लिए या वेदों को या पुराणों को समझने के लिए भगवान का कोई शुद्ध वक्त आपको मिले तो आपको सही सही समझाएगा समझदारी देगा तब आपको भ्रमों से निकालेगा आप भ्रमित नहीं होंगे और भगवान को ठीक ठीक जैसे वो हैं ऐसे समझने लगेंगे कोई भ्रम पैदा नहीं होगा राज विद्या राजगुह पवित्रम इदम उत्तम प्रत्यक्षावगम धर्म्यम सुसुखम करतुम अव्ययम भगवान श्री कृष्ण ने ई गीता को ही राजविद्या कह के पुकारा है यह पूरी भागवत गीता ही राजविद्या है विद्याओं की राजा है यह समझने की वस्तु है दो प्रकार से दो चीजों को समझना जरूरी है एक प्रकार से तो लोग समझते हैं कि विद्या यानी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज की विद्या इन विद्याओं का तो शास्त्र में वर्णन हुआ नहीं है जो पेट भरने की विद्याएं हैं या बिल्डिंग बनाने की विद्याएं हैं या बच्चे पैदा करने की विद्याएं हैं नहीं यहां पर तो विद्या उसको कहा है जिस विद्या को प्राप्त करके ये मनुष्य अशुभों से छूट जाता है मोक्ष को प्राप्त हो जाता है इटर्निटी की और चला जाता है ऐसी विद्या तो इन विद्याओं में कई विद्या है हट योग है ध्यान योग है ज्ञान योग है कर्म योग है भक्ति योग है भगवान ने कहा कि ये जो अभी मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं ये राज विद्या है भागवत गीता का कंक्लूजन यानी निचोड़ एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की शरणागति और उनकी भक्ति है इसलिए मैंने कहा कि ये गीता ही राजविद्या है भगवान यहाँ ये राजविद्या को यहां उद्घटित कर रहे हैं कहने जा रहे हैं कि राजविद्या कैसे ये राजविद्या है ये कैसे रहस्य में ज्ञान है राज विद्या राज गुहम। भगवान कह रहे हैं कि ये जो मैं अभी कहने जा रहा हूं ये विद्याओं की राजा है इसका मतलब क्या हुआ कि नवा अध्याय जो भगवान इन ये रहस्य को पर्दा उठा रहे हैं ये विद्या ये विद्या विद्याओं की राजा है इससे ऊपर कोई सारी विद्या इसके नीचे है राज्य राजविद्या राजगुहम और जितने भी सीक्रेसीज हैं रहस्य हैं, उनमें राज रहस्य यानी प्रमुख रहस्य है, है। राजगुहम राज पवित्रम पवित्रम प्योर 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 नॉलेज पवित्र विद्या जिस विद्या में कर्म योग नहीं मिला हुआ है ज्ञान योग नहीं मिला हुआ है ध्यान योग नहीं मिला हुआ है पवित्र विद्या यानी प्रेम भरी विद्या प्रेम सबसे पवित्र है प्रेम से पवित्र कोई चीज नहीं है इसलिए ये पवित्र पवित्रम पवित्र, पवित्र कह के भगवान ने कहा है कि अभी जो मैं विद्या देने जा रहा हूं यह अति पवित्र है प्योरेस्ट है इदम उत्तमम और उत्तमों में उत्तम है उत्तम है उत्तम से ऊपर तो क्या होता है कुछ नहीं होता है यह सबसे उत्तम है सर्वोत्तम है राज विद्या राजगुहम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगम और प्रत्यक्ष फल देने वाली है यह नहीं कि आज ये विद्या को उपयोग करेंगे विद्या का तो कल यह फल देगी ना ना अभी देगी अभी अभी, अभी इसी समय ये क्या है यह है भगवान की भक्ति क्योंकि मैं पहले ही बोल रहा हूं भगवान के बोलने से पहले ही इस चीज को बोल रहा हूं वरना आप कंफ्यूज होंगे कि मैं बोल क्या रहा हूं भगवान इस नवे अध्याय में अपनी भक्ति की चर्चाएं करेंगे कि भक्ति को ही प्रधानता देंगे भक्ति ही प्रधान है भगवान कह रहे हैं प्रत्यक्षावगमन नारद भक्ति सूत्र एक बहुत सुंदर शास्त्र है जिसमें नारद जी ने भक्ति की व्याख्या की है वहां पर नारद जी कह रहे हैं कि भक्ति ही एकमात्र साधन है जो प्रत्यक्ष फल देती है प्रत्यक्ष अभी करो अभी फल देती है ये नहीं कि अभी करो और शाम को फल देगी नहीं या कल फल देगी नहीं अभी फल देगी प्रत्यक्ष प्रेम अभी करोगे तो तुरंत फल देता है प्रेम तो फल दाता है तुरंत फल दाता। तुम किसी को प्रणाम करते हो तो क्या तुमको तुरंत प्रणाम नहीं मिलती मिलती है प्रणाम नहीं करो तो उसका रिएक्शन शायद कल और दस दिन बाद आ जाए आए लेकिन प्रणाम करो तो तुरंत आता है तुरंत प्रणाम मिलती है सामने से किसी को आप किसी भी रूप से प्रसन्न करते हो तो आपको प्रसन्नता नहीं होती तुम थोड़ा ज्वार के दाने लेके कबूतरों को डालो तुमको डालते समय प्रसन्नता नहीं होती तुरंत प्रसन्नता होती है सच्चे हृदय से निष्काम भाव से करोगे तब निष्काम भाव से ये नहीं कि भाई कबूतरों को ज्वार डालूंगा तो मेरा बाबा जो मर गया वो उनको ऊंचे लोकों में चला जाएगा नहीं ये तो ये तो आपकी इच्छाएं हो गई निष्काम भाव नहीं हुआ आपकी कामनाएं हैं इसके पीछे इसमें तुमको तुरंत फल मिले या मिले, नहीं मिले गारंटी नहीं निष्काम भाव से प्रेम तो निष्काम होता है उसमें कोई अभिलाषाएं नहीं होती प्रेम तो प्रेम होता है तुम किसी को मुस्कान देते हो तो उसमें अगर तुम्हारी कुछ अभिलाषा है कि मैं मुस्कुराऊंगा तो मुझे ये मिल जाएगा तो फिर वो प्रेम नहीं है वो तो लष्ट है प्रेम वो भक्ति नहीं है वो तो लष्ट है प्रेम तो ऊंची सगाई का नाम है ये तो निष्काम भाव से होना चाहिए तो आप जब जुआर डालो कबूतरों को तो निष्काम भाव से डालो कि चलो कबूतर कबूतरों को हम कुछ खिलाए भूखे होंगे ये दया का भाव प्रकट हो और फिर आपकी कोई इच्छा अभिलाषा नहीं हो कि मैं पंडित जी ने बोला किस दिन जुआर डालना तेरा शनि चला जाएगा नहीं भक्ति है निष्काम भक्ति तत्क्षण क्षण है उसी क्षण फल देती है यदि कोई अभिलाषा लेकर के भी भगवान की भक्ति करे तो भी उसको उसी समय फल मिलता है लेकिन वो फल नहीं वो श्रेष्ठ फल नहीं जो निष्काम भक्त को मिलता है वो फल सर्वश्रेष्ठ है भगवान कहते हैं प्रत्यक्षावगम प्रत्यक्षावगम यानी प्रत्यक्ष फल देने वाली भक्ति है एकमात्र भक्ति है जो प्रत्यक्ष बल देती है ध्यान मार्ग में लोग गुरु जी अभ्यास कराते हैं पहले यम का ये और नियम का यम यानी दंड ये दंड दो मन को दंड दो इंद्रियों को दंड दो शरीर को सुखाओ फास्टिंग रखो नियम फिर नियमों का पालन करो आसन फिर आसन की साधना करो यम नियम आसन प्रत्याहार फिर अनुकूल आहार ग्रहण करो इंद्रियों से जो तुम्हारी साधना में रुकावट न बने यम नियम आसन प्राणायाम करो पहले प्राणायाम प्राणों को सांसों को ऊपर को चढ़ाओ नीचे को उतारो रोको थामो कुंभक रेचक पूरक करो इत्यादि ब्रीदिंग प्रोसेस प्राणायाम करवाते हैं यानी या अष्टांग योग जो ध्यान मार्ग के अंदर है या दूसरी दूसरी क्रियाएं हैं हठ योग है घृणा कश्यप एक हजार वर्ष तक एक अंग पांव के अंगूठे पर ही खड़ा हुआ ऊपर को आसमान की तरफ हाथ ऊंचा किए हुए तपस्या करता रहा ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए एक हजार वर्ष तक तो ब्रह्मा प्रसन्न हुए ब्रह्मा इस लोक के ही एक श्रेष्ठ परम श्रेष्ठ आत्मा है इस ब्रह्मांड के अंदर श्रेष्ठ आत्मा है यानी प्रथम आत्मा है इस ब्रह्मांड की ब्रह्मा जी तो प्रसन्न हुए बरदान देने आए हरणा कृष्यपो को लेकिन यदि एक वर्ष नौ हजार नौ सौ निन्यानवे वर्ष अगर मेरा मतलब कहने का नौ सौ निन्यानवे वर्ष अगर तपस्या हिरणा ने की होती तो जब तक तो उसको कोई फल नहीं मिला था नौ सौ निन्यानवे वर्ष तक तो कोई फल नहीं मिला था ब्रह्मा नहीं आया था भगवान कहते हैं कि ये भक्ति जो है प्रत्यक्ष फल देने वाली है अभी करो अभी तुमको फल मिल जाएगा आ, अभी तुरंत जब करोगे तभी मन मना मत मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कु तो आप नमस्कार करो तो आपको नमस्कार मिल जाती है फल मिलता है ऐसे ही भगवान से थोड़ा भी उनकी सेवा में संलग्न हो जाओ तो आपको प्रत्यक्ष फल मिलने लगता है इसको जरा आज लो प्रत्यक्षावगम सुसुखम प्रत्यक्षावगम धर्म्यम तो ये भक्ति को जो है धर्म की श्रेष्ठ रूपरेखा दी है यानी धर्म का मुकुट भक्ति है भक्ति श्रेष्ठ है धर्म्यम आनंद दाता है जो आनंद भक्ति में मिलता है कहीं नहीं मिलेगा हुँ? भक्ति लता बेल जी गाती इस भजन में एक में कि अश्वन जल सींच प्रेम बेल बोई अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई हे मां मेरा तो गिरधर गोपाल एकमात्र पति है कोई दूसरे से मेरा कोई नाता नहीं है सर्वत्र मीरा भगवान के दर्शन करती थी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी वो कहते कि मैंने विरह में बहुत आंसू बहाए हैं लेकिन अब तो जो भक्ति लता इतनी फैल गई है कि उसमें आनंद के फल हो रहे हैं आनंद का फल आनंद के फल लग रहे हैं तो विरह में ऐसी अवस्था हो जाती है भक्त शुद्ध भक्त के नेत्रों से उनसे विरह सहन नहीं होता भगवान का अश्रुपात होता है और भगवान अपने भक्त को और पवित्र करते हैं नए मिलकर के नए दर्शन दे के जब पवित्रतम अवस्था में भक्त आ जाता है तो भगवान उसको आकर के आलिंगन करते हैं अपनी गोद में उठा लेते हैं सुदामा जी चले थे भगवान श्री कृष्ण से मिलने जब द्वारपाल ने कहा कि कोई ब्राह्मण आया है दरवाजे पर जने उसे मालूम चलता है कि ब्राह्मण है बाकी तो कोई कुर्ता जब्बा शरीर पर नहीं है और जो धोती है वो भी टूटी फटी सी लटी सी है पाव में कोई जूते चप्पल भी नहीं है बिवाइयां फट रही हैं खून बह रहा है विवाहियों से हे द्वारका नाथ आपसे कोई ब्राह्मण मिलने आया है दरवाजे पर खड़ा है और अपना नाम भी सुदामा बतला रहा है धोती फटी सिलटी दुपटी और पाव उपाव की नहीं सामा द्वार खड़ियों एक दुर्बल द्विज एक बतावत बत आप नाम सुदाम हे भगवान वो ब्राह्मण अपना नाम सुदामा बतला रहा है और आपसे मिलना मिलना चाहता है द्वारकाधीश ने कहा क्या नाम बतलाया ब्राह्मण ने द्वारकानाथ वो अपना नाम सुदामा बतलाता है द्वारपाल फिर से कहो क्या नाम है उस ब्राह्मण का भगवान वो ब्राह्मण का नाम सुदामा है भगवान के रोम खड़े हो गए और उन्होंने जोर से भगवान ने सुदामा का नाम पुकारा सुदामा मेरे मित्र मेरे भक्त भगवान सिंहासन छोड़ के दौड़ लिए दरवाजे की तरफ अटलांटिक फार्म कैश एंड कैरी ग्रैंड ओपनिंग अटलांटिक फार्म कैश एंड कैरी एक सौ चौदह डैश पंद्रह अटलांटिक